नमस्कार मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में यूपी ट्रिपल प्लस की तरफ से एक और सिलेबस जारी कर दिया गया है ऐसा लग रहा है कि पेटी 2023 से जितनी वैकेंसीज आई थी उन पर अभी तक तो काम नहीं किया अब लगातार एक साथ ही सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे हैं और बैक टू बैच पिछले एक सप्ताह में देखा जाए तो चार से पांच वैकेंसीज का इन्होंने सिलेबस दे चुके हैं और इसका मतलब ये है कि अब ये इनकी परीक्षा कराने की भी तैयारियां भरपूर कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है आप सभी का पेपर 15 15 20 20 दिन के अंतराल पे ये सारे एग्जाम जो पीटी 2023 के थे वो सारे करा लिए जाएं और अभी आपका अगला पीटी 2024 भी निकाल दिया जाए हालांकि पीटी 2024 पहले होगा ये परीक्षाएं बाद में होंगी ये बात आप क्लियर समझिएगा लेकिन अब क्योंकि आपके पास सहायक स्टोर कीपर और पीटी 2023 से दो वैकेंसीज ऐसी थी जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन हुए थे एक में लगभग पचपन हज़ार एक में लगभग पैंतालीस हज़ार मैं इसको दिखाऊंगा सहायक स्टोर कीपर से कितने ज्यादा आवेदन हुए थे और क्या इसका कट ऑफ जाएगा सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं अगर हम लोग आज की बात करें तो आज यूपी ट्रिपल एस के द्वारा तीन नोटिस दी गई है एक आपका सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड तीन सॉरी सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड तीन का आपका क्या किया गया है मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है एक आपका सहायक संघ की अधिकारी का जो अंतिम जो परिणाम है वो दिया गया है और एक आपका क्या है जो निदेशक खेल निदेशालय बैडमिंटन सहायक का था प्रशिक्षक का था इसका भी आपका एक जो आ, बोल सकते हो कि इंटरव्यू की डिटेल दी गई है मैं सारी बारे बताऊंगा सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं सहायक जो स्टोर कीपर है इसके पैटर्न के बारे में जो आप जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हो ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से इस बार पूछा जाएगा तो ये है भाई इस बार इसका अगर आप देखेंगे 17 सितंबर की आज नोटिस है 17 सितंबर से में इन्होंने ये बोला था कि ये दो परीक्षा 2024 सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड तीन मुख्य परीक्षा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2023 की दूसरी परीक्षा थी 199 पद और एक पद कुल मिलाकर 200 पद के, के सापेक्ष में इनकी वैकेंसी निकाली गई थी और इसका जो आवेदन किया गया था ये सोलह तीन दो हजार फरवरी 15 फरवरी में ही आया था और फरवरी से लेके आपका क्या निकल गया है आपका फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में निकला जा रहा है मतलब सात आठ महीने बाद अब आप खुलिए कि चलो बच्चों का पेपर भी लेना है तो कुछ पढ़ लें उनको सिलेबस बता दूँ ना अभी तो वो केवल इधर उधर घूम रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा पढ़ भी पढ़ने को भी बोल दिया जाए भाई गजब आयोग है यार आपका पता नहीं न परीक्षा पता है ना सिलेबस पता है ना पैटर्न पता है आप ये बोल दिए कि भैया हम पीटी ले आएंगे पहले पीटी समय पे हो जाए बाकी कुछ हो ना हो इंसान इंसान कुछ कर पाए या ना कर पाए पहले पीटी लेते रहो साल पे साल और कुछ ना करो और अगर कोई वैकेंसी निकालो भी तो तो एक ही बच्चे को बार बार लो चलो ठीक है मानते हैं भीड़ आप कम करते हो तो भैया कम से कम सिलेबस पैटर्न जिससे वैकेंसी निकालो उसी समय बता दो आप नियमित समय पर क्या नहीं कैलेंडर के हिसाब से ये कर लो पेपर ही करवा लो लेकिन आपको नहीं करना है तो चलो कोई बात नहीं अब आ जाता है यहां पे तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का मतलब नहीं है बट फिर भी अब

120 मिनट आपको मिलेगा और 100 अंक इसका होगा वन फोर्थ आपका निगेटिव होगा बाकी इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट दिया है कुछ बहुत ओपन करके नहीं दिया है जैसा सिलेबस सबका है वैसे ही सिलेबस आपका इसमें भी है कंप्यूटर में कुछ टॉपिक आपके स्पेशल होते हैं जैसे आप में आ, इसमें ए वगैरह हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया आई एड्रेस हो गया आई गैजेट व उनका अनुप्रयोग हो गया ई मेल बनाना ई का प्रयोग संचालन प्रिंटर टेबलेट व मोबाइल में संचालन वर्ड प्रोसेसिंग हो गया एक्सल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सोशल मीडिया सोशल

जो भी आपको नोट्स हैं या फिर आपको क्लास क्या दीजिएगा तो, तो आप जैसा भी बताएंगे उपलब्ध करवा दी जाएंगी क्योंकि मेरा मानना यह नहीं है कि नहीं नहीं भाई अब आया है तो आपको कोर्स बेच दिया जाए हर चीज कर दिया जाए जो आप इच्छुक होंगे जैसा आपको आवश्यकता होगी वैसा चीज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी और यह मैं आपसे वादा करता हूं कि हाँ भाई आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवा दी जाएगी तो उसके लिए परेशान नहीं होना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और परीक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना है बाकी जो दो नोटिस थी आ, अच्छा इसके बारे में एक जानकारी पहले आपको ये दे कि ओवरऑल पीईटी का कट ऑफ किया जा सकता है और टोटल आपका कितना फॉर्म इसके लिए अप्लाई एप, हुआ है तो ये आपका क्या था पीटी 2023 के सापेक्ष में ठीक है जो अभी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं वो की उसकी बात है और पीटी 2023 में जो निकली भर्ती थी उनके सापेक्ष में जो आवेदक थे आप सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड थ्री में देखोगे तो 200 पद के सापेक्ष में बयालीस हजार अभ्यर्थी ने इसका क्या किया है आवेदन किया है तो भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं है क्योंकि आप पीटी दो हजार के बाकी परीक्षाओं में देखोगे तो एक सचिव श्रेणी

शॉर्ट आपका चार हजार पांच हजार दस हजार होता तब समझ में आता कि हाँ भैया आपका क्या होगा डेढ़ लाख एक लाख बच्चा सेलेक्ट होगा लेकिन यहां पे दो सौ गुणेतीस करेंगे तो हार्डली बच्चा क्या होगा बच्चा बच्चा लिया जाएगा और बच्चा किस में से में से लिया जाएगा जाएगा तो और में से से तो इस बयालीस छह हजार बच्चा आप खुद सोच सकते हो कि कट ऑफ इसका कहां पर जाएगा तो पीटी का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाने वाला है बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई एग्जैक्टली आप मेरी बात मान के तैयारी मत करो आप लोग अपना कॉमन चीज पढ़ते रहो क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग इन्हें बहुत पहले दे देना चाहिए बच्चों का समय जाता है और यह

एक नोटिस जो आपका था वो नोटिस किसका था इसे हम लोग देख लेते हैं ये आपका सत्रह सितंबर का ही नोटिस है और ये आपका निदेशक खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में नियंत्रणी सहायक प्रशिक्षक के ग्यारह पदों के सापेक्ष हुई है और इतने लोगों में केवल एक बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो तो आप समझो कि ये तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा लोगों में पता एक ही बच्चा इसमें आवेदन किया है एक और था जो फाइनल अंतिम सूची आई है सिलेक्शन वाली उसे भी एक बार मैं दिखा देता हूँ ये आपकी आई है तो एक बार रोल नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा ये कौन सी वैकेंसी थी आठ पदों के सापेक्ष में ये क्या था कुछ बच्चों का जो प्रोविजनल आ गया था तो उन प्रोविजनल का फिर से ओरिजिनल में ये होता है कि कई आपको डीवी में कई आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत रहती है तो उस डॉक्यूमेंट को दोबारा आपको रिवेरीफाई करना होता है तो आप कहाँ आयोग ही जाओगे ये सारे बच्चे जाके अपना रिवेरीफाई करवा लेंगे बाकी प्रोविजनल का कोई इतना बड़ा लोचा नहीं होता तो इस वीडियो में बस इतना ही कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आखिर आपको आ, आ, क्या चाहिए नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर नोट्स नोटरीज दोनों चाहिए या फिर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे उस हिसाब से आपको चीजें उपलब्ध करवा दी जाएंगी फिर मिलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत आभार